मैजिक वॉच, जादुई घड़ी। राहुल नाम का एक लड़का था जो सातवीं क्लास में पढ़ता था। वो बहुत ही अच्छा और बुद्धिमान भी था, पढ़ाई में भी बहुत तेज था, सारे परीक्षा में अच्छे नंबर लाता था, पर थोड़ा सा आलसी था। राहुल हर दिन स्कूल भी देर से पहुंचता था। कोई भी काम उससे करने को कहे बहुत ही देर से किया करता था। क्या राहुल, आज भी देर ही आए हो? तुम्हें समझाना मुझसे नहीं होगा, जाओ और जाकर बैठ जाओ। सॉरी मिस। ये राहुल तो हमेशा लेट ही आता है यार। हाँ यार, अगर ये टाइम पर आ गया ना तो शायद भूकंप आ जाएगा। नहीं यार, आज मेरा बर्थडे है। शाम 6 बजे तुम सारे लोग हमारे घर पहुंच जाना। अच्छा ठीक है यार, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राहुल। उस दिन शाम को राहुल ने सारे दोस्तों को घर पे बुला लिया था। राहुल के सारे दोस्त शाम के 6 बजे घर पहुंच गए थे, लेकिन राहुल अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। ये क्या है यार, बर्थडे के लिए उसने हमें तो बुला लिया लेकिन वो खुद नहीं आया। ये कभी नहीं बदलेगा, पार्टी उसकी है और उसका इंतजार हमें करना पड़ रहा है। हाय फ्रेंड्स, क्या मेरा ही इंतजार कर रहे हो? हाँ यार, हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक्स यार। राहुल के सारे दोस्त उसे बहुत सारे तोहफे देने लगे और उसके माँ पापा ने भी बहुत सारे गिफ्ट उसे लाकर दिए थे। सारे बंधु भी उसके लिए बहुत से उपहार लेकर आए थे। राहुल उस दिन बहुत ही खुश था। सब लोग मिलकर बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से मनाए थे। उस दिन रात सोने से पहले राहुल अपने सारे तोहफे निकालकर देखने लगा। उन सारे गिफ्ट बॉक्स में से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उसको दिखाई दिया, लेकिन उस बॉक्स पर किसी का नाम नहीं लिखा था। उसने उस बॉक्स को खोलकर देखा, उसमें एक वॉच थी और वो घड़ी बहुत ही पुराने जमाने की लग रही थी और वो चल भी नहीं रही थी। उस वॉच को देखकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा कि कितनी बेकार वॉच है, पता नहीं किसने दी होगी। ये कहता हुआ उस वॉच को एक कोने में फेंक देता है। फिर दूसरे दिन सुबह उसकी माँ उसके कमरे में आती है ताकि राहुल के कमरे की सफाई करे। सफाई करते समय उसकी माँ को वो वॉच नजर आती है। उसको राहुल के पास लाकर देती है और कहती है, अरे राहुल, ये वॉच इस तरह तुमने क्यों फेंक दिया है बेटा, ये लो। ये चल रही है क्या? मैंने कल देखा था लेकिन वो चल नहीं रही थी। वैसे भी इतनी पुराने जमाने की वॉच अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। राहुल को वो वॉच बिल्कुल अच्छी ना लगने की वजह से राहुल ने उस वॉच को एक डेस्क में रख दिया था। कुछ दिन गुजर गए। राहुल के स्कूल में सेमिनार के लिए उसके सारे दोस्तों ने हिस्सा लिया था। राहुल ने भी अपना पसंदीदा टॉपिक तैयार कर लिया था। 10 बजे सेमिनार था, पर राहुल कुछ देर के लिए लेट हो गया था और सेमिनार खत्म हो गया। वो बहुत ही दुखी हो गया और फिर घर वापस चला गया। अपने कमरे के अंदर गया और उस डेस्क को खोला। फिर उस वॉच की तरफ उसकी नजर पड़ी। उसने उस वॉच को निकाला और अपने हाथ पर बांध लिया। वॉच में टाइम 2 बज रहे थे। 10 बजे ही अगर मैं सेमिनार पहुंच गया होता तो कितना अच्छा होता, ये सोचकर उसने ऐसे ही उस घड़ी में 10 बजे का टाइम रखा। और वो अचानक स्कूल के पास सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा था और अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
फिर उसने उस वॉच को 15 मिनट पहले का टाइम रखा और वो स्कूल के गेट के पास खड़ा था। उसने फिर से वॉच को आधा घंटा पहले का टाइम रखा और वो घर में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता खा रहा था। राहुल ने फिर से घड़ी के टाइम को 2:05 पर बदला। फिर वो अपने कमरे में डेस्क के पास खड़ा था। जादू सा कुछ हो रहा था। राहुल खुशी के मारे हवा में उड़ रहा था। उसे पता चला कि वो एक जादुई घड़ी है। उसे लगाकर जो टाइम वो रखेगा वो वक्त वैसा ही बदल जाएगा। मैजिक, ये तो एक मैजिक वॉच है। इसमें मैं जो टाइम रखूंगा वही वापस आएगा। इससे मैं एक दिन आगे या एक दिन पीछे भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे 10 सेमिनार हॉल को पहुँचना था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से बातें करते हुए उस वक्त को बढ़ा दिया था और मैं लेट हो गया। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस वॉच की सहायता से 10 सेमिनार हॉल पहुँच जाऊंगा। ये सोचकर राहुल ने उस घड़ी में 10 से कुछ मिनट पहले का टाइम रखा और पहले से ही सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा हो गया। बिना कोई देर किए सेमिनार हॉल में पहुंचा और उसने अपना पसंदीदा टॉपिक सबको सुनाया। सब लोगों को राहुल का टॉपिक बहुत पसंद आ गया और राहुल को उस टॉपिक पर बहुत अच्छा इनाम भी मिला। राहुल बहुत ही खुश था। कभी वो मैजिक वॉच अपने हाथ से नहीं उतारता था, हमेशा अपने हाथ पर बांधे रहता था। उसमें टाइम रखता और अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किया करता था। हर दिन स्कूल भी टाइम पर पहुंच जाया करता था। अपने होमवर्क, खाना और हर काम वक्त पे ही किया करता था। राहुल में आए बदलाव को देखकर उसके सारे दोस्त और टीचर्स भी हैरान थे। एक दिन राहुल स्कूल जा रहा था, अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में पड़े एक केले के छिलके पर अपना पैर रखकर गिर गया था। बेचारे बूढ़े को गिरने की वजह से थोड़ी चोट आई थी। वो सब देख रहे राहुल को बहुत दुख हुआ था। राहुल ने अपनी वॉच की मदद से 10 पीछे घुमा दिया था, फिर जल्दी से उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां वो बूढ़ा आदमी गिरा था। तभी एक लड़के ने केला खाकर छिलके को वहीं पर फेंक कर चला गया। फौरन राहुल ने उस छिलके को निकालकर पास ही के एक कचरे के डिब्बे में डाल देता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी सामने से चलता हुआ आ रहा था। राहुल देख ही रहा था कि वो बूढ़ा वहां से चलता हुआ बहुत ही आराम से चला गया। राहुल को बहुत खुशी हुई कि उसने उस बूढ़े आदमी को गिरने से बचा लिया था। इस तरह और बहुत सारे लोगों की मदद राहुल ने उस वॉच की सहायता से की थी। बिना उस वॉच के इस्तेमाल से अपने सारे काम वक्त पे किया करता था। राहुल के सारे टीचर्स राहुल से बहुत ही खुश थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन रोज की तरह राहुल अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा था कि अचानक गिर गया और उसकी वॉच टूट गई। फिर वो चलना भी बंद हो गई। राहुल को बहुत दुख हुआ कि उसकी मनपसंद वॉच खराब हो गई है। राहुल ने उसको ठीक करवाने की बहुत कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन गुजरने के बाद राहुल फिर से पहले की तरह हर काम देर से किया करता था और स्कूल भी देर ही से जाया करता था। टीचर्स और उसके सारे दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करने लगे। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ दिन पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, फिर से तुम्हें क्या हो गया? वो माँ, मेरी मैजिक वॉच खराब हो चुकी है। मैजिक वॉच? वो क्या है?
राहुल ने अपनी माँ से सारी बातें बता दी थी। राहुल की माँ मैजिक वॉच के बारे में सुनकर हैरान हो गई, लेकिन राहुल की माँ को उसका पहले की तरह बन जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए राहुल की माँ ने एक वॉच उसके लिए खरीदी थी, लेकिन उसमें कोई जादू वगैरह नहीं था, वो एक साधारण सी वॉच थी। राहुल से माँ ने कहा कि तुम्हें किसी मैजिक वॉच की जरूरत नहीं है, माँ की दी हुई वॉच से भी वो हर काम कर सकता है। फिर उस दिन से राहुल पहले की तरह अपना हर काम वक्त पे करने लगा। किसी भी काम में देरी करना उसने छोड़ दिया था। सारे ही लोग राहुल के लिए बहुत खुश हो गए। वाव बच्चों, अगर ऐसी वॉच हमारे भी पास होती तो कितना अच्छा होता ना? पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। इस कहानी ने हमें ये सीख दी है कि वक्त बहुत ही कीमती होता है। सिर्फ चंद मिनट के देर करने से हमें नाकाम भी होना पड़ता है और वक्त को पीछे नहीं बदला जा सकता। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हर काम वक्त पे कर ले, वक्त को बिल्कुल बर्बाद न करें। तो आज से हम भी ऐसा ही करेंगे, क्यों बच्चों?